वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो आपसे मिस ना हो। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइल्स केयर किट, जो कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पाइल्स को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। इस किट में 3 आयुर्वेदिक दवाइये, जाति आदि तेल, काशी आदि तेल और उदर विकार चूर्ण है। तो जानते हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, जाति आदि तेल पाइल्स को जड़ से खत्म कर देता है। किसी भी प्रकार की चोट हो, घाव हो, दाद, खाज, खुजली हो, सब रोगों का रामबाण इलाज करता है। काशी आदि तेल एक आयुर्वेदिक तेल है, यह पाइल्स के उपचार के लिए जानी मानी औषधि है। अर्श के मस्सों पर इसका प्रयोग करके ये अच्छे परिणाम देता है और क्षारता गुण होने से ये पाइल्स के मस्सों को काट गिरा देता है। उदर विकार चूर्ण जौरे, सौंठ, काली मिर्च, पीपल, हरण, छाल, कारा जीरा, सौंफ, सनाए, काला नमक आदि से मिलकर बना होता है। उदर विकार चूर्ण कब्ज यानी मल अवरोध, एसिडिटी, खाने का ना पचना, भूख का ना लगना आदि को दूर कर पेट को साफ रखता है। पाइल्स रोग की मुख्य वजह होता है कब्ज, उदर विकार चूर इसी कब्ज को दूर करता है। बात करें इसके प्रयोग विधि के बारे में, कैसे इसको इस्तेमाल में लाया जाए, तो काशी आदि तेल और जाति आदि तेल को समान मात्रा में लेकर रूही के फोए से पाइल्स वाले जगह पर हल्के हाथ से लगाइए और उदर विकार चूर्ण 3-3 दिन के अंतराल से रात को सोते समय आधा चम्मच गुनगुने पानी से लेना है। ध्यान रहे, उदर विकार चूर्ण 3-3 दिन के अंतराल से ही लेना है। इस किट का प्रयोग करके आप पाइल्स को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। अगर आप ये किट खरीदना चाहते हैं तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से क्लिक करके इसको खरीद कर इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर आपके भी फैमिली में पाइल्स से संबंधित किसी को भी समस्या है तो इस किट का प्रयोग जरूर करवाएं, इस किट से उन्हें जरूर फायदा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आने वाली फ्यूचर में वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके, इसलिए आप बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।